हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू काउंट स्पेस इन गिवन स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग अवेलेबल होगा, वो स्पेस के साथ होगा, तो हमें उसमें से स्पेस को काउंट करना है प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। तो किस तरह से पॉसिबल है वो आज देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपको स्ट्रिंग का नॉलेज नहीं है तो ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बनाए रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वीडियो आप देख लेना पहले, बाद में इस वीडियो पर मूव ऑन होना। तो लेट स्टार्ट द कोड। न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, पहले हम हेडर फाइल भी इंक्लूड कर देते हैं। conio.s, देन void में लगा देते हैं। अब हमें एक स्ट्रिंग यूजर थ्रू क्रिएट करवानी है, तो उसके लिए हमें कैरेक्टर एरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका नाम मैं लिखता हूँ str और 50 उसकी साइज रखता हूँ, मीन्स के 50 कैरेक्टर हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है दूसरा, कि हमें नंबर्स ऑफ स्पेस काउंट करने, यानी कि एक एक कैरेक्टर को हमें फेस करके उसे चेक करना होगा। उसके लिए लूप की जरूरत होगी, इसलिए मैं इंटीजर i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। और दूसरा, उनमें से स्पेस को हमें काउंट करनी है, इसलिए काउंट नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। अब इधर clrscr लगा देता हूँ। अब हमें यूजर थ्रू एक स्ट्रिंग को गेट करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक पहले मैसेज दे देते हैं उसको, एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग को गेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है scanf और दूसरा है getS फंक्शन। तो scanf हमें यूज नहीं करना है, वो मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था। अगर उसका नॉलेज आपको नहीं है तो आप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो getS से हम स्टार्ट करते हैं। इधर हमें पैरामीटर में देना है हमारा स्ट्रिंग का नेम। अब हमें पूरे के पूरे स्ट्रिंग को ट्रावर्स करना है, इसलिए हमें फॉर लूप की जरूरत है। तो मैं लिखता हूं इधर आई इक्वल टू जीरो। आई इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो। अब मुझे पता किस तरह से चलेगा कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो गया, यानी कि मुझे कितने नंबर्स तक ये लूप चलाना है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि आपका स्ट्रिंग है वो खत्म होने के बाद लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो नल कैरेक्टर होता है, यानी कि जब तक हमें नल नहीं मिलता तब तक हमें स्ट्रिंग में ट्रावर्स करना है। तो हमें इधर एक सिर्फ कंडीशन ए लगानी है, str of i not equal to null, यानी कि जब तक हमारा str of i पे मिलता कैरेक्टर null नहीं होगा, ठीक है, null नहीं मिलता है इधर आपको, तब तक हमारा ये लूप चलेगा। उसके बाद आपको कर देना है i++। अब हमें एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करना है, इसलिए हम if कंडीशन यूज करेंगे, और if कंडीशन के अंदर इधर लग देता हूँ मैं str of i equal to space। अगर स्पेस मिल गई तो क्या करना है, सिर्फ हमें करना है काउंट प्लस प्लस, ठीक है। अगर हमारे स्ट्रिंग में स्पेस आएगी इधर तो क्या करना है, सिर्फ काउंट प्लस प्लस करना है। इस लूप के बाद सिर्फ एक प्रिंटफ का यूज करना है और हमें काउंट की वैल्यू प्रिंट करवानी है। इधर लगा देते हैं काउंट इक्वल टू परसेंटेज डी और कॉमा करके काउंट नाम का वेरिएबल, ठीक है, और गेट सीएस का यूज कर लेना है। इसे सेव कर लेते हैं पहले। इधर str of str prg 5.c कर देते हैं। ये जो आउटपुट आएगा ना वो इनप्रॉपर आएगा, ठीक है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, बाद में मैं आपको इसे ठीक तरीके से बताता हूँ कि किस तरह से आप आउटपुट को प्रॉपर ला सकते हो। तो इधर मैं a करता हूँ, देन एक स्पेस देता हूँ, देन बी भी, तो हमारी स्ट्रिंग में वन स्पेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो काउंट इक्वल टू 883 आ रहा है, ठीक है। तो इधर तो हमें आना चाहिए एक, तो ए इस तरह से क्यों हुआ, तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। मैंने पहले भी कहीं वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई भी आप वेरिएबल लेते हो और उसका यूज आप अपने प्रोग्रामिंग में, उसके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में आप उसका यूज करते हो, तो अगर आप इनिशियली उसमें कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो उसमें गार्बेज कलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इधर मैंने कोई काउंट में वैल्यू नहीं डाली, ठीक है, इसलिए गार्बेज कलेक्शन आपका आ गया 882, ठीक है। डायरेक्टली इधर प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, 882 प्लस 1 होगा, यानी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 883 हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसा गार्बेज आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, 883 इस तरह से। तो
जब कहीं भी आप ऐसा काउंट नाम का वेरिएबल या फिर कोई भी वेरिएबल हो अपने प्रोग्राम में चेंज कर रहे हो, तो इनिशियली आपको उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुजब वहां उसकी वैल्यू सेट करनी है, 0 या 1। ठीक है, इधर मैं 0 सेट करता हूँ क्योंकि इनिशियली मेरा काउंट है वो स्पेस का 0 होगा। अगर उसे पहला स्पेस मिलेगा इधर तो काउंट प्लस प्लस होगा, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 होगा। अब हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर आएगा। ठीक है, ए देन स्पेस देन बी, काउंट इक्वल टू 1 आ गया। फिर से हम इधर में लिखता हूं एसके देन प्रोग्रामिंग देन स्पेस यूट्यूब देन एंटर, टोटल नंबर ऑफ स्पेस 2 डाले इसलिए 2 आई। फिर से हम ए देन स्पेस बी देन स्पेस देन सी देन स्पेस, 4 स्पेस है टोटल, सॉरी 3 स्पेस थी, काउंट इक्वल टू 3 आया। फिर से अब करते हैं ए स्पेस ए स्पेस ए ए, तो इसमें भी 1 2 3 स्पेस है और एक चौथी भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, काउंट इक्वल टू 4 आ गया। तो इस तरह से आप प्रोग्रामेटिकली आपकी स्ट्रिंग में कितनी स्पेस है वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये कोड है वो मैं एसके प्रोग्रामिंग नाम की अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें डाल दूंगा, तो वहीं से आप उसको लिख लेना। ठीक है, और इजीली आप उसे एप्लीकेशन थ्रू रीड भी कर सकोगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।